रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही पूर्ण हुआ अखंड रामचरितमानस का साप्ताहिक पाठ। भटुकों ने लगाया श्री राम के जयकारे। मकर संक्रांति से कृष्णा गुरु जी के तत्वाधान में शुरू हुए अखंड राम ज्योतमानस पाठ का समापन आज अयोध्या में हुई श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही संपन्न हो गया। अखंड राम ज्योति के समापन पर यज्ञ में आहुतियां दी गई, जय श्री राम के जयकारे भी लगाए गए। कृष्णा गुरु जी ने बताया कि शनि नवग्रह मंदिर त्रिवेणी से सूर्य देव की सवारी जो राम धुन में निकली थी उसी के 101 बटुक ब्राह्मण पाठ कर रहे हैं। जिन बटुकों के नाम राम से हैं उन्हीं के द्वारा पूर्ण आहुति कृष्ण गुरु जी के सानिध्य में सूर्य वेद मंडल वेद विद्यालय के प्रमुख आचार्य श्री सोम के मार्गदर्शन में हुई। यज्ञ में पूर्ण आहुतियां शनि नवग्रह मंदिर त्रिवेणी के पास सूर्य वेद विद्यालय में दी गई। पूर्ण आहुति के वक्त कृष्ण गुरु जी ने कहा, राम नाम की ऊर्जा से पूरे भारतवंशी एक हो गए। 22 जनवरी को जैन सहित देश भर में दिवाली मनाई गई। कृष्ण गुरु ने आगे बताया कि अयोध्या में पुनर्वसु नक्षत्र में हुई प्राण प्रतिष्ठा राजा रामचंद्र सरकार ओरछा से जोड़ती है, क्योंकि प्रभु श्री राम इसी नक्षत्र में ओरछा भी आए थे। समापन राम हवन से हुआ, इसमें सभी बटुक ब्राह्मणों ने कृष्णा गुरु जी के साथ पूर्ण आहुति इस भाव के साथ में दी कि आ गए देखे राम जी अयोध्या में विराजे राम लला जी। कार्यक्रम में इंदौर भोपाल से लोग अनुष्ठान में पधारे थे। विशेष अनिल कुमार, विजय केलकर, अतुल मीना स्वागत सोर वेद महाविद्यालय के सोम आचार्य ने किया। आपके माध्यम से सभी सुनने वालों को मेरी राम बधाई। आज हम राम भगवान साक्षात विराज गए हैं अयोध्या मंदिर। वर्षों से तपस्या पूर्ण हुई। हमारा ये कार्यक्रम अनुष्ठान 15 जनवरी मकर संक्रांति से चल रहा था, क्योंकि एकमात्र सूर्य देव थे जिनके पास राम भगवान थे, जिनके पास सूर्य की 12 कलाएं थी। मकर संक्रांति के अखंड रामचरित मानस पाठ चल रहा था जिसकी आज पूर्णाहुति हमने उनके स्वागत के साथ 12:38 पर समापन की अखंड रामचरित मानस पाठ का। उसके बाद हवन किया और राम भगवान का हमने उज्जैन से स्वागत किया इन बटुक ब्राह्मणों के माध्यम से और सोम गुरु जी के आचार्य जी के माध्यम से, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम हो पाया। आप सभी लोगों को मेरी राम भक्त की शुभकामनाएं। किस जगह हुआ कार्यक्रम? ये शनि नवग्रह मंदिर के पास सौर वेद विद्यालय महाविद्यालय है, जहाँ के बच्चों ने पटुक ब्राह्मणों ने शनि का रोल प्ले किया मकर संक्रांति पर, और आज राम के दूत के रूप में हमारे साथ में आए हैं और अनुष्ठान को पूर्ति करी।